भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का निवास है। गाय सर्वदेवमयी है। गाय की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस संसार में गाय का माँ जैसा ही स्थान है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए गोपाल ने अपना बचपन गो पूजा से आरंभ कर अपना गोपाल नाम सार्थक किया। गोपाल को गायें अत्यंत प्रिय थीं, वे उनकी खूब सेवा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है। ये हमें अमृत के समान दूध दही घी देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है, अतः ये माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। आज गोपाष्टमी है, हम लोग गो माता का खूब अच्छी तरह फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे, उन्हें नाना प्रकार के पकवान अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गो सेवा और गो पूजा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गायों की पूजा ईश्वर पूजा है। इनकी सेवा और पूजा करने वाले को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गो माताओं की सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार किया, उन्हें अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया तथा उन्हें नाना प्रकार के पकवान खिलाए। सभी गायों ने शांत भाव से खड़े होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मूक आशीर्वादों से ग्वाल बालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वाल बालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया।